खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। तो कानपुर में हुए गोलीकांड से पूरा उत्तर प्रदेश हिल गया है। 8 पुलिस कर्मियों की मौत के बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं कि विकास दुबे ने किस तरह से पुलिस वालों पर हमला किया, उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इसी बीच विकास दुबे की मां से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, सुनाते हैं आपको क्या कहना उनका। इस वक्त हम विकास दुबे के घर पे खड़े हैं जहां उनकी माता जी रहती हैं, उनका भाई का एक घर है, एक दूसरा घर है। एलडीए निरीक्षण करने के बाद निरीक्षण कर रहा है कि अवैध बना है या नहीं बना है, क्योंकि वहाँ का मकान गिराया गया यहाँ है। एलडीए निरीक्षण कर रहा है, अभी एलडीए की टीम आई थी, क्या क्या निरीक्षण किया? जाने हमारे बहू से बात बताओ, हम तो कुछ नहीं, हम भीतर हम चले नहीं, बहुत जो होती दोबारे हमसे नहीं बात हुई, हमसे होती तो बहू ने जरूर बताओ ना, पूछो क्या हुआ। अभी एलडीए की टीम आई थी, कुछ नहीं बोला, बस वो नाप करके चले गए, वो नाप लिया उन्होंने फिर चले गए, उन्होंने कुछ नहीं बताया। वो एलडीए खबर आ रही कि एलडीए जो है मकान कर रही अवैध है, वो गिराने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, नाप के चले गए सर। वो तो हमने तो कागज जब थाने में जमा है भैया, सही कागज हैं तो सब बात सब लिखे थे, बुआ का नाम, उनके आदमी का नाम है। तो तुम बार बार क्या पूछना चाहते हो? ये ना इसमें विकास का पैसा लगा है, ना उनके बाप का पैसा लगा, पिताजी बैठे हैं वे जिंदा है। किसका है ये ऋचा? ये मेरे बहू के नाम पूछा, तब भूल जाती है, हमारा दिमाग नहीं सही। बहू के नाम? बहू का नाम है। और जो दूसरा वाला मकान है जहाँ विकास की पत्नी और बच्चे, वो उनकी दुल्हन के नाम है, वो उनके नाम, उनका है ही वो सब, उसमें नहीं इनका कुछ है। अगर एलडीए पुलिस गिराने की कोशिश करेगी तो आप लोग क्या करेंगे? कोर्ट जाएंगी या सरकार से गुहार लगाएंगी या क्या? जान हम तो चले नहीं पाते भैया, यहीं आओ सब जने, हम तो कह दें कि अगर तनिको गिराना है फोन नंबर दे जाओ, और फोन आए नहीं तो करीबे कहाँ से भैया, ये बताओ कि को हमारे गाँव तो है ना, पास पड़ोस वाले हैं तो कोई करन नहीं है अपने फोन का नंबर। परसों जो घटना गांव में हुई, 8 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई, गोली चली, वो आपको जानकारी थी या पुलिस जो है करे जो उनकी पूरी संपत्ति है उसको अटैच करके सरकार ग्रहण करेगी, उस पर कार्रवाई करेगी? जाने ये तो हम पढ़ी लिखी ना है भैया, हम इतना ना ही पढ़ी लिखी, ये जानती बस कि जो ये के नाम ये मकान है कि दुल्हन के नाम है, और उसकी बुआ ने पैसा लगाया। एलडीए गिराता है तो ज्यादती करता है, वो गलत तरीके से गलत कि कागज भी हैं सही, अगर कागज गलत हो देख लो, तुम्हें चोरी का तो है ना ही भैया, नाम बहू का नाम और ये कागज सही मकान के सब पूरे दिखा दिए, वो कह गए थाने वाले कि ये तुम्हारा पेपर सारे दिखा दिए, हाँ सब और ले भी गए थाने वाले, क्या कहे? थाने वाले कह गए कि ये तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा जगह। अब ये बताओ यो योजना कैसे फिर बना रही, हम तो अगर कहते तो मैं कहती तुम काहे ना अपनाए, क्या बात है, अवैध अवैध हो उतना तो फिर गिरा दो, हैं अवैध तो ना ही है, कागज जब तुम्हारे सामने भैया रखी रही। क्या आपका जो गांव में घर गिरा था वो अवैध था? वो अवैध नहीं, वो पुस्तैनी था, लेकिन बनवाया विकास ने, हमारा पुस्तैनी अलग बना था। क्यों गिरा रही पुलिस? कोई नोटिस वगैरह दी थी यहाँ का मकान की जो चर्चा चल रही है वहाँ की मकान? हमें पता नहीं कुछ भैया, हम तो यही हैं। यहाँ के लिए कोई नोटिस नहीं दिया कि आपका मकान गलत बना है या कुछ? नहीं बहू से कहे गए, कोई नहीं कुछ वो नहीं कह गया है, ये अवैध है ही नहीं, जब थाने में कागज जमा हुई गए दिखा दीन और कह गए कल ले गए थे, कहा तुम्हारा सब सही काम है, कोई कुछ नहीं तुम्हारा, फोन भी सब दे दिए भैया उनको थाने वाले का, हैं कुछ नहीं पास तो फोन हम आप लोगों का कैसे करेंगे, वो एक लोग फोन नंबर दे गए, पर हमको चाहे रात में आमे गिरा में हमको फोन करना गिरने नहीं देंगे। चाहे क्या लगता है विकास ने जो पुलिस कर्मियों पे गोली चलाई जो खबर आ रही उस कारण पुलिस सारे घर को गिरा रही है? उनकी बात हम तो ना करा भैया, कई दिन की जो सरकार समझे, जो फोर्स समझे, जो मोदी योगी सब समझे, छो करें जाए।
ये उनकी माता जी थी, ये उनका दूसरा घर है जो उनके भाई के पत्नी के नाम बताया जा रहा है। दूसरा घर इनका ठीक इसके बाहर है, वहाँ भी एलडीए ने निरीक्षण किया है। एलडीए देख रहा है कि घर अवैध तरीके से तो नहीं बन रहा है, अगर अवैध होगा तो कानूनी शिकंजा लगातार विकास में कसता जा रहा है, उसको गिराने की तैयारी कर रही है। लेकिन अभी तक एलडीए के पास कोई इस मकान की पुख्ता अवैध बना है इसकी कोई कागजात नहीं निकले हैं, लेकिन एलडीए के ऊपर भी दबाव है कि इस मकान को सही से निरीक्षण किया जाए, जांचा जाए, अवैध हो तो गिराया जाए। लेकिन जो खबर आ रही सूत्रों के अनुसार दोनों मकान अवैध के जद में नहीं हैं, लेकिन अब देखना होगा एलडीए इस मकान को लेकर के क्या करता है। हालांकि जो इनकी संपत्तियां, इनके करीबियों की संपत्तियां है, उस पर कार्रवाई करने के निर्देश है। इनकी माता जी से पत्नी भाई की पत्नी से भी बातचीत हुई, उन लोग कह रहे हैं सरकार जायती कर रही, गलत तरीके से गिरा रही है, ना तो कोई नोटिस दी जा रही है, चाहे गांव का जो मकान गिरा है और यहाँ के मकान की जरूर जांच करने आए थे, लेकिन अब तक इस तरीके की कोई नोटिस नहीं दी गई है कि आपका मकान अवैध है, उसको गिराया जाएगा, सिर्फ सुन रहे हैं। और अगर गिराया जा रहा है तो पूरी तरीके से सरकार इस मकान और दूसरे मकान पे जो भी कार्रवाई कर रही है वो गलत होगा। कैमरामैन रोशन के साथ पंकज चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, लखनऊ। और वहीं कानपुर एनकाउंटर में बड़ा खुलासा सामने आया है। पुलिस ने विकास दुबे के साथी दयाशंकर अग्निहोत्री को मुठभेड़ में पकड़ा, जिसके बाद पुलिस ने उससे गहन पूछताछ की। इस दौरान उसने एक बड़ा खुलासा किया है। दयाशंकर ने बताया है कि पुलिस ने विकास दुबे को दबिश की सूचना दी थी। सूचना मिलते ही विकास अपने असलाहधारी साथियों को ठिकाने पर बुला लिया और दयाशंकर ने पुलिस का नाम हालांकि नहीं बताया है, लेकिन उसने बताया कि पुलिस ने रेड की सूचना विकास को दे दी, जिससे पुलिस के पहुंचने से पहले विकास सतर्क हो गया, चौकन्ना हो गया और 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया गया। एक बंदूक है बस, वही मार वाली बस, ये सब फर्जी है सलाह। नहीं तो इसने पुलिस वालों कैसे मार दिया? अरे निरे आदमी है, निरे सलाह रहा है, गोली घंटन से आदमी। जानकारी कैसे लोग पता चल गया इसके बारे में? उसने बुलाया फोन करके। किसने फोन करके बुलाया? विकास बुलाया। और कौन से प्रमुख लोग थे? और प्रमुख तो वही, हम तो घर के अंदर लाख थे, हमको तो देखा नहीं। नहीं वो बाहर बुलाता था, गांव के बारे में बढ़िया है उसके खेत में वही बुलाता, घर में किसी गर्मी सिर्फ गाँव वाले आते जाते, जो फैसला वाले जो बुलाए।